साथियों, इस क्षेत्र में गन्ना भी बहुत होता है। कांग्रेस ने गन्ना किसानों को भी अपने हाल पर छोड़ दिया था। हम गन्ना किसानों की समस्याओं को भी प्राथमिकता पर दूर कर रहे हैं। गन्ना किसानों की मदद के लिए ही हमने पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग बढ़ाने का फैसला किया। आज देश पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस सरकार के समय देश में सिर्फ 40 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन होता था। अब हमारी सरकार में इथेनॉल का उत्पादन बढ़कर 400 करोड़ लीटर से भी ज्यादा का हो गया है। इथेनॉल का उत्पादन बढ़ने से, पेट्रोल में उसकी ब्लेंडिंग बढ़ने से सबसे ज्यादा लाभ गन्ना किसानों को भी हुआ है। इस बजट में हमारी सरकार ने गन्ना किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला लिया है। हमने गन्ना कोऑपरेटिव्स को यूपीए सरकार ने जो चूना लगाया था, 10,000 करोड़ का चूना, हमने इस बजट के अंदर उस 10,000 का जो उन पर चूना लगाया था वो भी माफ कर दिया। हमने उसकी राहत भी दे दी। इसका भी लाभ देश के गन्ना किसानों को मिलेगा। हमारी सरकार ने मिलेट्स श्री अन्न को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने का भी अभियान चलाया है। हमारे यहां तो ज्वार की रोटी आप लोगों को बहुत पसंद है, घर घर में खाई जाती है। ये ज्वार और उसकी रोटी जब दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी तो उसका भी लाभ यहां के किसानों को होगा। साथियों, गरीब की तकलीफ कांग्रेस को कभी समझ नहीं आई। उन्होंने गरीबी देखी नहीं है। और कांग्रेस वो दल है जो विकास में भी राजनीति करती है, रोड़े अटकाती है, नकारात्मकता में भरी पड़ी है। इसका एक उदाहरण गरीबों को पक्के घर देने की योजना भी है। ये योजना तो 2019 से भी पहले से चल रही थी, लेकिन जब तक कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार रही उसने गरीबों के घर बनाने की स्पीड धीमी कर दी। गरीबों के साथ कांग्रेस इस अत्याचार को बीजेपी सरकार ने ही रोका। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद हमने यहां घर बनाने की स्पीड को और तेज किया। देखते ही देखते 9 लाख के आसपास पक्के घर मिलना गरीबों को तय हुआ। इस योजना के तहत करीब 30,000 घर यही बीदर में ही बन रहे हैं। 30,000 घर आप कल्पना कर सकते हैं। और इनमें से हर घर कई कई लाख रुपए का, और वो भी हम घर महिलाओं के नाम पर करते हैं। यानी भाजपा की डबल इंजन सरकार ने यहां बीदर में ही 30,000 बहनों को, जिनके घर की कीमत लाखों में है, 30,000 बहनों को लखपति दीदी बना दिया है।